खुलासा हुआ है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 22 वर्षीय युवक शुभम की हत्या के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। क्राइम यूनिट पालम विहार ने वारदात में शामिल सन्नी उर्फ खच्चर, अंकुर उर्फ नोना और अखिल को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। इस मामले में हत्या के मास्टरमाइंड सन्नी उर्फ खच्चर ने आपसी रंजिश के चलते 22 वर्षीय शुभम की गोलियों से भूनकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। गौरतलब रहे कि बीती 26 मार्च को घनघोट की गैस एजेंसी के पास से युवक का शव बरामद किया गया था। शुरुआती जांच में युवक की पहचान देवीलाल कॉलोनी के रहने वाले शुभम के तौर पर हुई, जिसको सिर और पेट में गोलियां मारी गई थी। क्राइम यूनिट पालम विहार ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने राजेंद्रा पार्क थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में सन्नी उर्फ खच्चर, अंकुर उर्फ नोना और अखिल को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो आपसी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल बीती 26 मार्च की सुबह गुरुग्राम पुलिस ने 22 वर्षीय युवक का शव बरामद किया था और मृतक के सिर और पेट में गोली मारकर हत्या की गई थी। एसपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि मृतक शुभम नेहरा और सन्नी उर्फ खच्चर के बीच किसी बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी और इसी रंजिश को लेकर सन्नी उर्फ खच्चर ने अपने 2 अन्य साथियों के संग मिलकर शुभम की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस की माने तो सन्नी उर्फ खच्चर ने बीती 25 मार्च की देर रात शुभम को शराब पीने के लिए बुलाया और फिर योजनाबद्ध तरीके से घनघोट गैस एजेंसी के पास ले जाकर उसे गोलियों से भून हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं पुलिस की माने तो हत्या के मास्टरमाइंड सन्नी उर्फ खच्चर, अंकुर और नोला के खिलाफ पहले भी दर्जन भर संगीन मामले विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है, जिनमें ज्यादातर मामलों में वो जमानत पर बाहर चल रहे थे, जबकि कई मामलों में बरी भी हो चुके थे। जी सर, बोल सर, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, क्या पूरा मामला? ये दिनांक 26/3 को धनकोट के पास गुड़गांव की तरफ आने वाले रोड पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली और आसपास के लोगों से हमने शिनाख्त कराने की कोशिश की। तो उसके बाद एक लड़का आया जिसने कहा कि ये मेरा साला है, जिसका नाम शुभम था, और इसके जीजे अमित ने उसकी शिनाख्त की और बताया कि ये 25 तारीख को 10:30 बजे घर से स्कूटी लेके निकला था और उसके बाद ये घर नहीं पहुंचा, जिसके बारे में किसी अननोन आदमियों के खिलाफ उन्होंने केस रजिस्टर करवाया कि गोली मार के किसी अननोन लोगों ने इसकी हत्या कर दी है, जिसके संबंध में हमने FIR दर्ज करके थाना राजेंद्रा पार्क में और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम यूनिट पालम विहार द्वारा की गई, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसमें 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। उन्होंने काफ़ी पालम विहार यूनिट के इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने बढ़िया काम करते हुए इनको अपनी सूझबूझ से गिरफ्तार किया। इन 3 आरोपियों के नाम सन्नी उर्फ खचरा, अंकुर उर्फ नोना और अखिल उर्फ अक्की है। ये 2 गुड़गांव के और 1 रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और जब इनसे इसके बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उस दिन हमने साथ बैठ के शराब पी और उसके बाद हम I-20 गाड़ी में वहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में ये पेशाब करने के लिए उतरा तो हमने गोली मार के और इसकी हत्या कर दी। इसके संबंध में इनकी आपस की कोई पहले की रंजिश चली आ रही थी, जो आपस में दिलों में पाड़े हुए थे और फिर भी एक साथ बैठते थे ये, तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने उसकी हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद वो सब वहाँ से भाग गए सबूत नष्ट करने की इच्छा से कि इसकी पहचान नहीं होगी और तुम नहीं पकड़े जाओ, लेकिन आखिर में पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी से ये भी पता चला है कि ये लोग पहले भी काफ़ी, जो सन्नी है इसके खिलाफ लगभग 2 दर्जन केसेस पहले दर्ज हैं, उसके अलावा जो दूसरा नोना है इसके खिलाफ भी 1 दर्जन के लगभग केस दर्ज है, और ये जो तीसरा इनका साथी है इसके खिलाफ भी 6 के करीब केसेस पहले के हैं। इन्होंने हत्या के प्रयास, लूटपाट, चोरी, अवैध हथियार, अवैध शराब, इस तरह के केसेस इन पे पहले से चल रहे हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति के ये लोग हैं, और अब हमने इनको गिरफ्तार करके आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इनका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे
और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इनसे जो घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल थी वो हमने बरामद कर ली है और जो घटना में प्रयोग किए गए हथियार थे उनके बारे में इन्होंने हमारे को इंसाफ में बतलाया है, तो आज पुलिस रिमांड लेके और आगे उनकी रिकवरी की जाएगी। हत्या का प्रयास, चोरी, लूट और अवैध हथियार और अवैध शराब के मामले इसके खिलाफ पहले से चले आ रहे हैं। ये आपस में किसी एक जगह बैठते थे, शराब भी पीते थे, लेकिन आपस में मनो में कोई रंजिश थी इनके दिल में और उसी को दिल में रखते हुए इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। इस तरह की पूछताछ की जा रही है, अभी पुलिस रिमांड लेके इसके बारे में और गहनता से पूछताछ की जाएगी और ऐसी कोई चीज़ सामने आई तो आपके साथ शेयर की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।